तो चलिए आज बनाते हैं मनचाउ सूप। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब मनचाउ सूप है तो इसमें चाउमीन तो रहेगा ही, तो मैंने चाउमीन को तोड़ लिया है छोटे टुकड़े में, उसमें कॉर्नफ्लोर मिला के किनारे रख दिया। अब मैंने एक पत्ता गोभी में से आधा पत्ता गोभी काट लिया है बारीक, और यहाँ पे धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च, दो प्याज छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, और एक हरी मिर्च को मैंने छोटे टुकड़े में काट के रख लिया है। अब मैं एक पैन में तेल गर्म करके एक चाउमीन का टुकड़ा डालूँगी, अगर ये तुरंत ऊपर आ जाता है तो फिर मैं चाउमीन जो है मैंने इसमें जो कॉर्नफ्लोर कोट करके रखा है उसको डाल के इसमें लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। अब जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए यहाँ पे ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगी कि निकाल के एक अलग जो छलनी होती है उसमें रख दूँगी, जिससे कि इसका तेल अच्छे से इसमें से निकल जाए। अब यहाँ पे जो और बाकी बचे हुए चाउमीन थे उसको भी मैं क्या करूँगी, तल के निकाल लूँगी। अब थोड़ा सा तेल में क्या करूँगी, जिंजर और गार्लिक डाल के इसे इसका जो कच्चापन है उसको ख़त्म होने तक पका लूँगी। ये देखिए, और इसको चलाते रहना है। अब यहाँ पे जो मैं मिर्च काटी थी मिर्च डाल दूँगी, और ये प्याज। अब मिर्च प्याज को मैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च जो मैंने बारीक काट के रखा था वो डाल दूंगी, और जो पत्ता गोभी मैंने बारीक काट के रखी थी वो डाल के पका लूंगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी नमक, जिससे कि हमारा पत्ता गोभी जल्दी से पक जाए। अब इसको हमें चला लेना है। अब यहाँ पे जब ये पक जाएगा पत्ता गोभी आधा, तो मैं इसमें डाल दूँगी टोमेटो सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सिरका और डार्क सोया सॉस डाल के इसे अच्छे से मिला दूँगी मैं। ये देखिए, इस ये जब अच्छे से मिल जाएगा तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ 1 लीटर के करीब पानी। आपको जितना इसमें पानी डालना हो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसको हमें चलाना है। जब इसमें देखेंगे कि जब इसमें उबाल आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके उसे 1 चम्मच ही पानी डाल के मिला के और इस मनचाउ सूप में मैं डाल दूँगी। और ये देखिए हमारा मनचाउ सूप रेडी हो चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगी, एक बाउल में निकाल लूँगी। उससे पहले मैं क्या करूँगी कि मैंने ढेर सारे धनिया पत्ती काट के रखा था, तो ये धनिया पत्ती डाल के मैं पूरे सूप में मिला लूँगी। अब जब ये अच्छे से मिल जाएगा तब मैं क्या करूँगी कि एक बाउल में निकाल के मैं सर्व करूँगी। अब ये देखिए हमारा मनचाउ सूप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।